अस्सलाम वालेकुम। तवा अंडा बनाने के लिए हमें 2 अदद हरी मिर्चें चाहिए, पिसी हुई लाल मिर्च आधा चमचा, नमक हसबे ज़रूरत और 1 अदद अंडा। तो ये सब चीज़ें हम एक बॉल में डाल देंगे। बॉल में डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे और ये अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम एक तवा लेंगे, उसे हम स्लो आँच पर हम उसे गर्म करने के लिए रख देंगे। और अब हमने तवा को गर्म करने के लिए रख दिया है स्लो आंच पे। अब इसके अंदर हम 2 से 3 स्पून ऑयल के शामिल करेंगे और उसे भी गर्म करने के लिए रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, बॉल में जो हमने अंडा फेंट के रखा था उसे हम तवे के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देंगे। ये अच्छे तरीके से हमने फैला दिया है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए अब इसे हम अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे। नीचे से अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद फिर हम इसे ऊपर से भी ब्राउन करेंगे। जो ऊपर कच्चापन है ये अच्छे तरीके से पक जाना चाहिए। अब ये दोनों साइड से पक रहा है, ऊपर से ये पक गया है, नीचे वाला हिस्सा पक गया और ऊपर वाला हिस्सा अभी पक रहा है। तो इसे हम पलट के भी पकाएंगे, चेक करेंगे बार बार कि अच्छे तरीके से नीचे से ब्राउन हुआ है या नहीं। और जो हिस्सा हमारा ब्राउन नहीं हुआ है उसे दोबारा पलट देंगे ताकि वो भी अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। तो ये हम पूरा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से ब्राउन कर रहे हैं, इसे अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। ये अंडा आप ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लंच में भी यूज़ कर सकते हैं और शाम में जो इवनिंग का टाइम होता है उसे भी आप चाय के साथ ले सकते हैं। तो 2 ब्रेड हमने ली हैं, इस 2 ब्रेड को भी हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में गर्म करें या चाहें तो बग़ैर ऑयल के गर्म करें। और अब हमारा तवा अंडा रेडी हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर और लाइक किए बगैर, शेयर किए बगैर यहाँ से बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।